जैसे आपका क्लास जो छूटा हो चलेगा। चलिए आगे बढ़े। पजल में हमने आपको क्या बताया था, क्वेश्चन है बताए थे, इसमें पजल देखिए ठीक है। पजल में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है लिंकिंग टाइप, ये पजल जो है स्पेशली बैंकिंग के लिए टॉपिक आता है। दूसरा है कंपेयरिंग टाइप। हाँ आराम आराम से पढ़ेंगे। तीसरा है आपका ग्रुपिंग टाइप। ग्रुपिंग टाइप ठीक है। चौथा आता है बॉक्स टाइप। पांचवा आता है फ्लोर टाइप। फ्लोर टाइप पजल ठीक है। ये जो स्टार्टिंग के तीन है, ये आपका रेलवे या जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं उसमें आपसे पूछा जाता है ठीक है। ये जो स्पेशली बैंक में पूछे जाते हैं, बैंक पीओ में, यहाँ से दो पजल रहेगा, प्रत्येक पजल पांच पांच क्वेश्चन का रहता है, तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपका बैंक में पजल से पूछा जाता है। रेलवे में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेलवे या नॉन बैंकिंग मतलब कोई भी आप एग्जाम देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है। तो पहला टाइप हम स्टार्ट करेंगे लिंकिंग टाइप पजल ठीक है। पजल का मतलब क्या होता है, दिए गए जो हमारे पास डाटा रहता है उसमें से कुछ डाटा क्लियर नहीं रहता है, लेकिन बाकी डाटा के इंफॉर्मेशन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे ये जो डाटा है सब्जेक्ट के पसंद करने के ऊपर भी हो सकता है, फूड मटेरियल पर भी हो सकता है। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि फ्लोर है तो इनका फ्लोर इनके सामने है तो दूसरा वाला फ्लोर इनके सामने है, उसके बाद उस टाइप में भी आपसे पूछेगा। तो पहला टाइप हम कंटिन्यू कर रहे हैं पजल टाइप में। पजल का हिंदी हम अच्छा आपको चेक करके बताएंगे ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन कराते हैं हल्का, कल कराए थे हम आपको एक कल। अच्छा अर्जुन कहाँ गया, हाँ कल अर्जुन समझ में आया था पजल वाला। चलिए एक वैसे ही छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में 12 लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा ठीक है। चलिए एक छोटा क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा ठीक है, एक दिसंबर को आपका नेट एंड क्लीन रीजनिंग हो जाएगा, उसके बाद मैथ धारा प्रवाह चलेगा। लेकिन जो बीच 2 दिन चल रहा था बीच में रीजनिंग, वो खत्म हो जाएगा। चलिए लिख लिए। अच्छा ये देखे तो जरा पासवर्ड ओपन कीजिए तो जरा। 85 39 84 85 39 84। हो गया, चलिए लिख लिए। चलिए एक हल्का क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद में हम फिर थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो बैंक पीओ में आया हुआ है वो अभी हम आपको कराते हैं ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी देगा पजल का तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। हाँ ये जगह है पीछे पीछे वाले पर बैठे। मिनिमम 3 क्वेश्चन देगा और मैक्सिमम 5 देगा ठीक है। लिख लिए आप, ये कल लिखे हुए थे निशा ठीक है। अच्छा नहीं मोबाइल से फोटो निकल, लिखने में टाइम लगेगा। चले हो गया। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, वो हो सकता है पर्सन ऑफ नेम ऑफ पर्सन होगा,
जैसे आदमी का क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। नेम ऑफ पर्सन, ये जैसे व्यक्ति है और इसकी पसंद होगी इधर, इसका पसंद हम कहाँ लिखेंगे, राइट साइड, ये राइट और ये हमारा लेफ्ट। ये इसका क्या होगा, नापसंद होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि ये व्यक्ति है, ये पसंद करता है सेव, तो हम सेव इधर लिखेंगे। अंगूर खाना पसंद नहीं करता है, तो हम अंगूर कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ। तो फेवरेबल इधर, नॉन, अच्छा सॉरी, फेवरेबल इधर और नॉन फेवरेबल इधर। ये बेसिक है क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे, ये बेसिक है। हाँ, ये फेवरेबल है जो उसकी पसंद करेगा, जो उसकी पसंद का रहेगा राइट साइड में, जो उसके पसंद का नहीं रहेगा लेफ्ट साइड, ठीक है। ये व्यक्ति इधर, पसंद करने वाला इधर, नापसंद करने वाला। जैसे मान के चले कि राजू है, राजू को आम खाना पसंद है, तो आम किधर लिखेंगे, सेव खाना नहीं पसंद है तो किधर लिखेंगे, इसी के सामने किधर, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते, एक क्वेश्चन छोटा सा लिखे उसके बाद हम आगे बढ़ा लिखेंगे। लिखिए, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई, पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई कुछ ना कुछ खाते हैं। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके बाद हम अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ई आम नहीं खाता है, ई आम नहीं खाता है, आप कंडीशन दे करके लिखिएगा, पहला कंडीशन, ऐसे पहला कंडीशन ऐसे दे करके लिखिएगा, एक दो, ई आम नहीं खाता है। दूसरा, हाँ, ई आम नहीं खाता है, उसके बाद लिखेंगे डी, डी सेव खाता है, सेव खाता है, ठीक है। सी केला खाना पसंद करता है, सी केला खाना पसंद करता है, आगे लिखेंगे बी अमरूद खाना पसंद नहीं करता है, बी अमरूद खाना पसंद नहीं करता, बी अमरूद खाना पसंद नहीं करता, ए गाजर खाना पसंद करता है, ए गाजर खाना पसंद करता है, ए गाजर खाना पसंद करता है। अब चलिए इसको हम बारीकी से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब समझिए प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे। जैसे व्यक्ति का नाम है, जैसे व्यक्ति का नाम है, वैसे व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, कैसे, कॉलम बनाकर। जैसे व्यक्ति का नाम है, वैसे व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, कॉलम बनाकर, ठीक है। इधर हमारा हो गया फेवरेबल, इधर हो गया अनफेवरेबल, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लाइन बाय लाइन बनाते हुए चलिए, ठीक है। क्वेश्चन में पहले क्या बोला है, पहला लाइन पढ़िए, पढ़े तो जरा रुको, ई आम नहीं खाता, आप बताएंगे आम मैं किधर लिखो, इधर। उसके बाद, उसके बाद, हाँ, लिखिए बी क्या खाना पसंद करता है, क्वेश्चन, हाँ, बी क्या खाना पसंद करता है, ठीक है, बी क्या खाना पसंद करता है, ठीक है, जो भी है, पीछे चलो, पीछे पीछे जगह, ठीक है, हो गया। चलिए, मेन ये है, यदि ये बन गया तो क्वेश्चन तो हम पूरा बना ही लेंगे, ठीक है। पीछे जगह है खाली, अर्जुन उसको जगह दीजिए, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें, देखिए
हाँ लिख लिए जी, पढ़िए तो जरा माला। हाँ ठीक है, ई आम नहीं खाता है, इधर लिख लिए। डी सेव खाता है, डी सेव ठीक है, इधर लिख लिए। सी केला खाना पसंद करता है। बी अमरूद खाना पसंद नहीं करता है। अच्छा अमरूद नहीं करता है तो ठीक है। ए गाजर खाना पसंद, बी क्या खाना पसंद करे। रविशंकर, और आवाज एक भी नहीं होना चाहिए, चुपचाप शांति से पढ़िए ठीक है। आगे देखिए संदीप, ध्यान दीजिए। अब देखिए पांच वो आदमी में से तीन वो खाने वाला पता चल गया, दो वो आदमी क्या पता चल रहा, दो आदमी की और पता चल गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, ये गाजर खा रहा है, ये केला खा रहा है, ये सेब खा रहा है, तो घटना कहाँ पर है? यहाँ पर। और सही, अमरूद ना खाएगा, अधूरे वो फल बचा है, अमरूद को यहाँ पर लिख लेंगे। और आम को कहाँ पर लिख लेंगे ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बी क्या खाना पसंद करता है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन, बी क्या खाना पसंद करेगा, ई क्या खाना पसंद करेगा, अमरूद ठीक है। अब चलिए अब सीधा 55,000 रुपये महीने वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। बैंक पीओ में आया हुआ 5 क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन पजल का क्वेश्चन एक क्लास में 2 ही तक हो पाता है ठीक है। चल हाँ, पासवर्ड बोला जाए। 8539 84 8539 84 ठीक। चलिए हाँ चलिए लिख लीजिए। देखिए इतना दिमाग लगाइए आप, लाइन है सर कोई कहे कि। अच्छा ठीक, अरे पासवर्ड आ गया, लिखेंगे चुपचाप शांति से क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन पूरा पेज भरने वाला है, बैंक पीओ में क्वेश्चन है आया हुआ, एसबीआई में आया हुआ। छह दोस्त हाँ, छह दोस्त दीपक, छह दोस्त दीपक, वरुण, अमित, नीलेश दीपक, वरुण, अमित, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की छह अलग अलग विषयों में हाँ कॉमा देकर के लिखेंगे, मेटलर्जी विषय का नाम है मेटलर्जी, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में चलिए आगे।
आगे देखेंगे, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में लिख लिए। आगे प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में से एक, फुटबॉल के बाद टेनिस है, हाँ फुटबॉल के बाद बैडमिंटन, बैडमिंटन इसके बाद टेनिस में से भिन्न भिन्न खेल पसंद है, अलग अलग लोगों की पसंद है, ठीक है, भिन्न खेल पसंद है, भिन्न भिन्न खेल पसंद है, एक व्यक्ति एक खेल खेलेगा, दो खेल नहीं खेलेगा। चलिए ओके।